नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केरी और पुदीने की चटनी। आइए शुरू करते हैं। मैंने ना ये जो केरी होती है ना उसको दो मैंने छील के कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये पुदीना मैंने ले लिया, ये मेरे गार्डन का पुदीना है, और ये धनिया ले लिया, ये भी धो के मैंने ले लिया है, और दो सूखी लाल मिर्च और चार कलियाँ लहसुन की, ये सारे को मैंने जार में डालना है। पहले मैं पुदीना डाल देती हूँ, फिर धनिया, फिर सूखी लाल मिर्च और ये लहसुन है चार कलियाँ, ये भी डाल दूंगी मैं, और ये कैरी है, ये सारी चीजों को मैंने डाल दिया। इसमें ना साबुत ये जीरा है, एक छोटा चम्मच है, इसको डालूंगी मैं, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, और इसमें काला नमक डालूंगी एक चौथाई चम्मच, और ये सारी चीजों को डाल दिया। अब दो छोटे चम्मच से मैं पानी डालूंगी ताकि अपना ही आसानी से ये चटनी पीस जाए, और फिर इसको अच्छे फाइन पीस के और मैं अब इसको बंद कर देंगे। अब चेक करते हैं, ये चटनी पीस के रेडी हो गई है, ये बिल्कुल बारीक पीसना है। अब मैं आपको ना बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ। आप इसी तरीका से ये चटनी बनाइएगा केरी का। अभी तो इसका मौसम चल रहा है ना, तो आप जरूर बनाइएगा, पूरी पराठा और दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आप बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।